आज मैं आपको बताने वाला हूं ईशान टूल्स के बारे में, जिसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो पहले आप प्ले स्टोर से ईशान टूल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको कुछ परमिशंस दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज में आप इसको इनेबल करेंगे ईशान टूल्स, और यहाँ से आप इसको इनेबल कर दीजिए। इसके बाद बैक आएंगे। अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फोन में भी चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके मोबाइल फोन में भी चलता रहे, तो आप यहाँ व्हाट्सएप स्कैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक क्यूआर कोड दिया गया है, आप उसके मोबाइल फोन को लेंगे जिसके व्हाट्सएप को आप अपने मोबाइल फोन पर चलाना चाहते हैं, और आप उसके व्हाट्सएप में जाकर यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप इस क्यूआर कोड को इस तरीके से स्कैन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप आप दोनों मोबाइल फोन में चलेगा। यहाँ पर आप ईशान टूल्स की हेल्प से अपने मोबाइल फोन में चला सकते हैं, और जिसके मोबाइल फोन में पहले से चल रहा है वहां पर भी चलता रहेगा। अब वो जो भी चैट यहाँ पर करेगा आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करके चैट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ से भी आप चैट कर सकते हैं। तो जो भी चैट आप करेंगे वो यहाँ पर भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं हाई लिख करके सेंड कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब जिसका भी ये मोबाइल फोन है आप उसका वापस कर दीजिए। आपका उसके व्हाट्सएप पर तब तक एक्सेस रहेगा जब तक कि वो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके व्हाट्सएप वेब में जाकर यहाँ लॉग आउट पर क्लिक न कर दे। जैसे ही वो लॉग आउट पर क्लिक करेगा तो आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा तो आपका उसके व्हाट्सएप पर पूरा एक्सेस रहेगा। और यहाँ से आप किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, और साथ ही आप स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं उसके व्हाट्सएप के, मतलब कि उसके व्हाट्सएप पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और साथ ही उसके मोबाइल फोन में भी ये व्हाट्सएप चलता रहेगा। सेकंड टूल यहाँ पर दिया गया है वॉक एंड चैट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में कैमरा को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी में जाकर इसको ऑन करेंगे ईशान टूल्स, और यहाँ आप ऑफ की जगह पर इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पर आप ओके कर दीजिए तो यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी ऑन हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या काम होगा। यहाँ से आप वॉक एंड चैट को इनेबल कर दीजिए। अब आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कैमरा ओपन होने के साथ साथ ही चैटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई चैट करते हैं और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पर कैमरा चल रहा है, तो साथ ही आप कैमरे से पीछे का व्यू भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। तो ये होता है वॉक एंड चैट में। कभी भी अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ वॉक एंड चैट में जाएंगे और यहाँ से आप इसको ऑफ कर देंगे। बाद में कभी भी यूज करने के लिए आप यहीं से ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। थर्ड टूल यहाँ पर दिया गया है व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। इससे आप दूसरों के जो स्टेटस होते हैं उनको सेव कर सकते हैं काफी आसानी से। वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगी और इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। आप यही इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आप स्टेटस इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड करेंगे वो सब यहाँ सेव्ड में शो होगी, और आप अपनी गैलरी में जाकर के भी उनको देख सकते हैं। यहाँ पर एक टूल है अनसेव्ड नंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी नंबर को बिना सेव किए उसको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगे जो आप सेंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप उस नंबर को डालेंगे जिस पर आप व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं बिना उसको सेव किए। आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में ले जाएगा और आप यहाँ से उसको सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस नंबर को हमने सेव नहीं किया हुआ है। कई बार हम चाहते हैं कि किसी नंबर को बिना सेव करें उस पर हम कोई व्हाट्सएप सेंड करें या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करेंगे, नंबर डालेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में ले जाएगा, और यहाँ से आप बिना सेव करे उसको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। एक टूल है यहाँ पर फेक चैट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फेक चैट जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नाम डाल देंगे किस नाम से आप ये चैट जनरेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईशान। यहाँ से आप कोई भी एक प्रोफाइल इमेज चूज कर लेंगे। गैलरी से यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। उसका स्टेटस आप क्या दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए आप इनेबल यहाँ से करेंगे, टाइपिंग के लिए आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। इसके बाद आप सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक फेक चैट जनरेट हो चुकी है। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये एक फेक चैट है। इसी तरीके से यहाँ पर आप किसी भी नाम से फेक चैट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर नाम डालेंगे, फोटो चूज करेंगे, ऑनलाइन दिखाना है या नहीं, और टाइपिंग दिखानी है या नहीं, ये सब यहाँ से आप इनेबल करेंगे और सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये फेक चैट जनरेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक टूल है व्हाट्सएप क्लीनर। इससे आप अपने व्हाट्सएप को थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। जितने भी जंक है वो आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पर देखिए 55 MB इसने क्लियर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अलग अलग तरह के फेसेस देख सकते हैं, इन्हें आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करेंगे, जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से शो होगा। तो इस तरह के फेसेस यहाँ पर काफी सारे दिए गए हैं, ये हैप्पी फेसेस हैं। एंग्री पर क्लिक करेंगे तो एंग्री फेसेस यहाँ पर आ जाएंगे और अदर पर क्लिक करेंगे तो अदर फेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये आप सेंड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स के साथ। इसके बाद यहाँ पर एक टूल है टेक्स्ट रिपीटर, इसमें आप अपने टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईशान इज गुड, और कितनी बार आप इसको रिपीट करना चाहते हैं, आप इसको 1000 बार तक रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 100 टाइम और रिपीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट इतनी बार रिपीट हो जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग लाइन में रिपीट करना चाहते हैं तो आप न्यू लाइन को यहाँ पर ऑन कर दीजिए, इसके बाद आप रिपीट पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग लाइन में रिपीट होगा। इसके बाद आप यहां से कॉपी करके इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। यहां पर एक टूल दिया गया है कैप्शन स्टेटस, आप व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस लगाते हैं अगर आपको उसके लिए कैप्शन चाहिए तो वो आप यहां से ले सकते हैं। देखिए यहां पर कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि अगर आपको सैड स्टेटस चाहिए तो आप सैड पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए काफी सारे कैप्शन दिए गए हैं, आप यहां से कॉपी करके इसको अपने व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं। यहां पर एक टूल दिया गया है व्हाट्सएप शॉर्टकट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने व्हाट्सएप का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। पहले तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, इसके बाद आप जो भी शॉर्टकट रखना चाहते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको शेक कीजिए। अब शेक करेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट देखिए सेट हो चुका है। इसके बाद आप बाहर आएंगे और कभी भी जब आप अपने मोबाइल फोन को इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है। तो कोई भी शॉर्टकट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप गैलरी है, इस पर क्लिक करके जितने भी आपको व्हाट्सएप पर इमेजेस वीडियोस आते हैं वो सब आप यहाँ एक ही जगह पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियोस आएंगी और यहाँ पर इमेजेस आएंगी और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू इमोजी है ये बताना रह गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को इमोजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ए लिख देता हूँ और किस इमोजी में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप इमोजी डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इस इमोजी को ले लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, इमोजी आ गया। आप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इसी इमोजी से आपका टेक्स्ट बन जाएगा, जैसे कि हमने ए लिखा है तो ए बन गया। अब आप इसको कॉपी करके कहीं भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।